पास ना एक स्कूटी आई है एंटॉर्क, इस स्कूटी में किक का काम सही तरीके से किक प्रॉस काम नहीं कर रही प्रॉपर। अब ये स्कूटी में किक काम ना करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं अलग अलग, पर सबसे मेन रीज़न होता है स्कूटी के अंदर ये रैचेट। अगर ये रैचेट आपकी गाड़ी में ख़राब हो जाता है तो आपकी गाड़ी में किक नहीं लगेगी। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि रैचेट काम कैसे करता है। देखो यहाँ पर एक वार्सल दिख रही होगी आपको, ये जो देखो वार्सल है। अब ये वार्सल मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, देखो ये रही मेरे पास, ये रही वार्सल। अब ये जो वार्सल होती है कुछ इस प्रकार से लग जाती है यहाँ पर, इसमें जो दांते बने होते हैं ना, ये दांते इसकी साफट को लॉक कर लेते हैं। अब जब साफ्ट को लॉक कर लेते हैं तो यहाँ पर ये टाइट हो गई वार्सल, ठीक है, नट बोल्ट की वजह से। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लग गई है। अब जब आप किक मारोगे तो किक जो है इसकी इस तरीके से काम करती है, ऐसे करके काम करती है किक, ऐसे करके। जब आप किक मारोगे ना ऐसे नीचे करके, तो आपका ये रैचेट जो है ये ऐसे करके घूमता है। अब जब रैचेट घूमेगा तो कॉमन सी बात है ये जो है ये इस तरीके से लॉक कर लेता है इसको, किक को। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे मान लो आपने किक मारी तो ये ऐसे घूमेगा, और जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो रैचेट होता है ना ये ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है, और जब आपकी ऊपर नीचे मारने पर ऊपर वापस जाती है तो ये ऐसे जाती है, ऐसे करके जाती है। देख रहे हो, ऐसे करके जाती है। अब जब आप किक मारोगे तो ये ऐसे करी जाएगी, और जब किक छोड़ोगे तो ऐसे करी जाएगी, क्योंकि आप नोटिस किया होगा किक यहाँ होती है, आपने मारी नीचे चलेगी, इसका मतलब इंजन घूम गया। अब किक आपने वापस छोड़ी ऊपर गई तो वापस जो ऊपर जाएगी वो घुमाएगी नहीं इंजन को, क्योंकि वो उल्टी साइड में काम करता है। और ये देखो, अगर ये उल्टी साइड काम करेगा तो ऐसे करके घूमेगी, और ये आगे की तरफ काम करेगा तो ये ऐसे करके जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंजन स्टार्ट हो जाता है। और जितनी भी स्कूटियाँ होती हैं, चाहे एक्टिवा हो, चाहे वो मैस्ट्रो हो, चाहे वो प्लेजर हो, चाहे वो एक्सेस हो, चाहे वो कोई सी भी स्कूटी हो, उन सभी स्कूटियों के अंदर यही प्रॉपर सिस्टम होता है जिससे गाड़ी की किक काम करती है और इंजन घूमता है। क्योंकि जितनी बाइकें होती हैं उन बाइकों का जो इंजन होता है, उन बाइकों के इंजन में जब हम किक मारते हैं तो इंजन का जो गियर होता है ना वो घूमता है, पर इसमें गियर बॉक्स जो होता है वो यहाँ आइसोलेटेड होता है, यहाँ पर इस वाले एरिया में गियर होता है यहाँ पर। तो इस गियर की वजह से यहाँ पर अलग से चैम्बर दे रखा है, ये पूरा चैम्बर ड्राई होता है। अब ये जो गियर है ना ये तो स्पीड को मेंटेन करता है, स्पीड बढ़ाता है कम करता है, ठीक है। यहाँ से पावर इसमें मिलती है और यहाँ से व्हील को मिलती है, इससे किक का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं किक ना मार के गाड़ी स्टार्ट करूँ पहिया घुमा के, तो ये सिर्फ गियर में एकदम फ्री घूमेगा। देख रहा हूँ, यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके व्हील को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वहीं इसका व्हील घुमाने पर अगर ये बेल्ट घुमाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कभी आप एक काम करना, जब आप गाड़ी ये अगर इसकी स्पीड तेज होगी ना तो ऑटोमेटिकली ये खुलेगा और आपकी गाड़ी का ये रैचेट घूमेगा, ये जो वेरिएटर घूमेगा। जब आप गाड़ी ढलान पे लेके जाओगे और आपने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है और एकदम से चाबी आप ऑफ कर दोगे, तो ऑफ चाबी में जब आप ढलान से निकलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आप गाड़ी में सेल्फ मारो चाहे ना मारो। क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होगी इसकी, तो ये बेल्ट जो होती है जब ये ज़्यादा तेज घूमता है ना, तो ये होती है इसके अंदर की पुली, ये इसको टाइट करती है और टाइट करके बेल्ट को नीचे कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ये वेरिएटर घूमता है और क्रैंक घूमती है और हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर में स्टार्ट हो जाती है। ये होती है ढलान का प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ड्राई होता है पूरा। अगर आपने गाड़ी में यहाँ से ऑयल निकला, यहाँ से बाहर लग गया ऑयल, और वो ऑयल थोड़ा सा बेल्ट में लग गया, तो आपकी गाड़ी की पूरी बेल्ट जो है वो स्लिप करेगी और आपकी गाड़ी में पिकअप की परेशानी आने लग जाएगी। और अब सबसे बड़ी बात, इंजन में आवाज़ आने लगेगी, चढ़ाहट की आवाज़ आने लगेगी, जो कि बहुत इरिटेट करेगी आपको। आपने देखा होगा कारों के अंदर बेल्ट की आवाज़ आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ लगती है, नॉइज़ सी लगती है। सेम ऐसे ही बेल्ट ख़राब होने पर भी आवाज़ इसमें भी आती है, बट इसमें ऑयल जाने पर भी आएगी, ऑयल स्लिप करेगा, इसलिए यहाँ पर ऑयल चले जाएगा सारा। तो ये पूरा ही एरिया ड्राई होना चाहिए और एकदम सही होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर सूखा क्लीन नहीं होगा तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। अब हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर दो ही चीज़ होती हैं किक के अंदर, एक ये, ठीक है, और एक ये, तो मैं बता दूँ ऐसा नहीं है। ये दो चीज़ें काम कैसे करती हैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा पैटर्न दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ये पूरा पैटर्न होता है और इसके अंदर पीछे की तरफ किक लगी होती है। देखो ये जो किक जब इसको इससे नीचे की तरफ मारते हैं तो ये जो गरारी होती है, बड़ी वाली गरारी, ये वाली गरारी, ये घूमती है, और जब ये घूमती है तो ये जो रैचेट होता है ये घूमता है, और जब ये रैचेट घूमेगा तो ये जो लॉक वार्सल है यहाँ पर, वार्सल ये वाली देखो, लॉक ये वाली वार्सल लॉक है, तो ये आपका इस तरीके से घूमेगा और यहाँ पर ऐसे करके इसको घुमाएगा, ये देखो ऐसे करके घुमाएगा। और अगर जब किक मारी वापस ऊपर जा रही है तो ऐसे करके होगा, और जब हम किक मार रहे हैं तो ये ऐसे इस तरीके से काम करेगा। अभी हाथ से नहीं घूमेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जान लगती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। तो कुछ इस प्रकार से आपका किक का काम होगा, यही होता है किक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस।